बात करने वाले ईसीसी वुमेन टी ट्वेंट लीग का आज का जो सेकंड मैच और मैच नंबर अट्ठारह होगा वो खेला जाने वाला है ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स वर्सेस इटली वुमेन्स के बीच में शुरू होगा मैच का टाइम रहने वाला है आज चार बज के पंद्रह मिनट में शुरू होगा वेदर की बात करें तो मौसम बिल्कुल साफ रहेगा सेम ग्राउंड पर मैच है पिच रिपोर्ट की बात करें तो बैलेंस सरपेस है एवरेज इसको साठ से अस्सी के बीच में रहने वाला है वेन्यू रिकॉर्ड देख लेते तो यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल यहाँ पर अब तक सोलह मैच कम्प्लीट हो चुके हैं चौदह मैच टीम ने दो मैच में चेजवा यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हो जो भी टीम फर्स्ट बैटिंग करेगी ना उसे यहाँ पर ज़्यादा हेल्प होने वाली है बात कर ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स की तो यहाँ पर टीम की बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप आज यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जाकर सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को लेना हमारी वीडियो के नोट्स आपको सबसे पहले मिल सके और टेलीग्राम चैनल को जरूर से जाकर ज्वाइन कर लेना है क्योंकि वहाँ पर आपको आफ्टर टॉस फाइनल टीम और प्लेंग लाइन मिलने वाली है टेलीग्राम चैनल का लिंक एक तो आपके इस वीडियो के डिस्कशन में दूसरा जाओ कमेंट करते वहां पर ऊपर ही आपको पिन के ऊपर मिल जाएगा तो जैसे हमारे आप टेलीग्राम चैनल पहुंच जाएगा टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है बाकी ले लास्ट पांच मैच ये हार के आ रही है लास्ट मैच ओपनिंग की थी प्रिय सबू ने और यहां से एंटोनो नेट ने सबू की बात करें तो इकतीस जीरो किट जीरो किट जीरो किट जीरो किट जीरो और बीस रन जीरो पर इन्होंने हर मैच में कन्फर्म दो डाले हैं पर एक भी मैच में विकेट नहीं निकाल पाए बट बैटिंग करती है तो बेस्ट पिक हो जाता है क्योंकि आपको बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों करके देगी तो पॉइंट मिल सकते हैं अच्छा ऑप्शन है मौका दे सकते हो एंटोनेट की बात करें तीन जीरो किट दस रन सात जीरो किट उन्नीस जीरो किट जीरो किट और जीरो किट है टोटल मैचों में इन्होंने बॉलिंग की है हर मैच आपको बॉलिंग करती दिखाई देने वाली है बट एक भी मैच में विकेट नहीं निकाल पाई है टी के छः मैच में छः रन है एक विकेट तीन ओवर डाल के मल्लिका महादेवा इकत्तीस जीरो किट जीरो किट तीस जीरो किट जीरो किट ज़ीरो किट और उन्नीस जीरो किट है बॉलिंग से तो अच्छा नहीं किया पर बॉलिंग इनकी बैटिंग इनकी काफ़ी अच्छी है मौका जरूर दे सकते हो और बॉलिंग करते हैं तो आपके लिए प्लस पॉइंट बन के आती है तो इम्पोर्टेंट है शीतल भरद्वाज जीरो विकेट चार तीन जीरो विकेट जीरो रन जीरो विकेट और जीरो रन टी ट्वेंटी के छः मैचों में पच्चीस रन है जीरो विकेट पाँच ओवर डाल के हरी जीवन बुल्लर की बात करें नौ बैटिंग जीरो जीरो एक चार और एक रन है टी ट्वें के छः मैचों में बीस रन है बीस का एवरेज है अन्ना सिन की बात करें जीरो छः जीरो उन्नीस जीरो और पाँच रन सिर्फ एक ही मैच में अच्छी बैटिंग उन्होंने की थी बाकी पूरे मैचों में बिल्कुल फ्लोप रही हैं बुसरा ओका की बात करें जीरो एक जीरो दो एक और नौ बैटिंग है टोटल मैचों में ना अब तक ये बिल्कुल फ्लोप रही हैं यहाँ से आ जाते हैं अनिसा नुकला की बात करें तीन मैच के लिए हैं नौ बैटिंग तीन और नौ बैटिंग है टी ट्वेंटी के पैंतीस मैच में उनहत्तर रन है एक विकेट सत्रह ओवर डाल के एमा कीकर मैन नौ बैटिंग जीरो नौ बैटिंग जीरो और नौ बैटिंग है टी के चार मैचों में पंद्रह रन हैं सात का एवरेज है श्रेया कोमती की बात करें यहाँ पर टोटल मैचों में ये नो बैटिंग रही है ना नो बैटिंग सॉरी यहाँ पर विकेट लेस रही हैं टोटल मैचों में ना ना तो ये अच्छे आपको बैटिंग से पॉइंट दे पाए ना बॉलिंग से टी के बात करें तो पाँच मैच में तीन रन हैं तीन विकेट हैं दस ओवर डाल के सौ सौजन्या बेंगलोर की बात करें यहाँ पर सिर्फ एक ही मैच में इन्होंने विकेट निकाला है बाकी पूरे मैचों में विकेट लेस रही हैं ना तो बैटिंग से अच्छे पॉइंट दिए टी टेन के चार मैच में दो विकेटें सात ओवर डाल के बेंच में से जा बात कर लेते जैसे यहाँ से परविता गणेशन आ जाती हैं नौ बैटिंग जीरो एक वो नौ बैटिंग है टी ट्वेंटी आई के दो मैच में जीरो रन है उस्मान सेपी टी टेन के पाँच मैच में एक विकेट टी ट्वेंटी आई के पंद्रह मैच में दस विकेट बत्तीस ओवर डाल के स्टार्टिंग में डालने जाएंगे यहाँ से एस कॉमती एस वेगलोर यहाँ से पी सबू डेथ को डालना चाहिए एस बेंगलोर एम महादेवा एस कोमती जो डेथ में बॉलिंग करेगी ना वो हमेशा आपके लिए इंपॉर्डेंट लेने वाली क्योंकि विकेट के पॉइंट अच्छे दे के जाएगी तो यहाँ पर हम दूसरी टीम इटली वुमेंस की बात करें लास्ट मैच के लिए टीम दो मैच हारी है चार मैच विन के हैं लास्ट मैच ओपनिंग की थी मेथराना रत्नायके ने और यहाँ से दिलायसा ने यहाँ पर ना इस ये टीम काफ़ी अच्छी है इस टीम को यहाँ पर लास्ट मैच भी यही मैच टीम जीतने वाली है क्योंकि अच्छी टीम है यहाँ से लास्ट मैच हमने की थी मेत्राना ने तो देख सकते हो एक चौहत्तर तैंतीस चौदह चौवन और इकसठ रन सिर्फ एक ही मैच में एक रन की इन्होंने पार के लिए हैं बाकी हर मैच में आपको अच्छे पॉइंट इन्होंने दिए है मलने से अच्छा ऑप्शन है दिलाऐसा की बात करें एक विकेट जी आठ रन इक्कीस जीरो विकेट इकतीस एक विकेट जीरो विकेट अट्ठाईस जीरो विकेट है हर मैच में आपको दो दो डालती दिखाई देने वाली हैं बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों अच्छी करती हैं तो जरूर मौका देना है एम्लिया बॉटम की बात करें दस जीरो विकेट बारह एक विकेट जीरो किट बत्तीस दो विकेट बारह दो विकेट और जीरो विकेट है लास्ट मैच में बिल्कुल प्लोप रहती है ना तो बैटिंग से अच्छी पॉइंट दे पाए ना बॉलिंग से उससे पहले हर मैच में इन्होंने बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों अच्छी की है तो मैं जरूर टीम में रखूंगा कुमुद पैटरिक की बात करें एक विकेट बाकी पूरे मैचों में बिल्कुल प्लोप रहे देख सकते हो आप इसको सिर्फ एक ही मैच में फर्स्ट मैच में इन्होंने विकेट निकाला है चौतरिका की बात कर लेते हैं जीरो जीरो एक विकेट एक विकेट और एक विकेट है पहले तीन मैचों में बिल्कुल थी बट लास्ट के तीनों मैचों में इन्होंने कन्फर्म विकेट निकाले हैं अच्छा ऑप्शन है बोलिंग सेक्शन से आपको जरूर इन्हें मौका देना है लेकिन सुदाईजा की बात करें जीरो यहाँ पर सिर्फ एक ही मैच में ना इन्होंने विकेट निकाला था उसके बाद में लास्ट मैच में भी दो डाल के दो विकेट निकाले हैं अच्छा ऑप्शन है बॉलिंग सेक्शन से क्योंकि ना अच्छी बॉलिंग करती है बैटिंग भी इनकी काफी अच्छी है सोनिया की बात करें एक रन जीरो रन नो बैटिंग नो बैटिंग और नो बैटिंग पहले दो मैचों में बैटिंग की अच्छा रिकॉर्ड नहीं बना पाए लास्ट तीनों मैचों में नो बैटिंग ही रही आकारसा की बात करें एक विकेट जीरो एक विकेट जीरो विकेट जीरो विकेट और नो बैटिंग है फर्स्ट और थर्ड मैच में ही विकेट निकाले हैं चार मैचों में बिल्कुल ये प्लोप रहे हैं ओवरऑल आठ मैच में एक सौ नौ रन है दस विकेट हैं इक्कीस ओवर डाल के मालवाटा सदली की बात करें एक विकेट चार विकेट नो बैटिंग जीरो विकेट और नो बैटिंग है फर्स्ट और सेकंड मैच में ही विकेट निकाले हैं उसके बाद में यहाँ पर एक भी मैच में ये विकेट नहीं निकाल पाई टी ट्वेंटी आई के चौदह मैच में जीरो विकेट तेरह ओवर डाल के पसंदगी अनेके की बात करें बिल्कुल फ्लॉप रहने वाली है क्योंकि अब तक ना ना तो बैटिंग से चिपॉइट दे पाई ना बॉलिंग से चिपॉन्ट दे पाई निमिसा एक अनके की बात करें यहाँ पर इनका भी रिकॉर्ड बिल्कुल खराब है टी की बात करें टी टेन का स्कोर बढ़िया है चार मैच में तीन विकेट पाँच ओवर डाल के बेंच में से बात कर ले जैसे इसरा आ जाती है नो बैटिंग नो बैटिंग नो बैटिंग है यहां से वारना सूर्य आ जाती है पांच जीरो ओ जीरो टी टेन के सात मैच में चुम्बालिस रन है स्टार्टिंग में डाले जाएंगे ए बटन ओ सी महा गए डेथ को डालने जाएंगे के पैट्रिक वो सुधा जाए जो डेथ में बॉलिंग करेगी ना वो हमेशा आपके लिए इंपॉर्टेंट देने वाले हैं क्योंकि विकेट के पॉइंट अच्छे देगी जाएगी तो यहाँ पर वीडियो का एनलिस वाला पार्ट चुका है कंप्लीट चलते अपनी डेमो टीम की तरफ डेमो टीम की तरफ जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है क्योंकि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जाके सब्सक्राइब कर लेना है और टेलीग्राम से ज्वाइन आपके लिए काफ़ी आप जरूरी जाता है क्योंकि वहाँ पर ही आपको आप टाटो स्फाइनल टीम और प्लेंग लेवल मिलने वाली है टेलीग्राम चैनल का नहीं एक तो आपके इस वीडियो के डिस्कप्शन में दूसरा आप कमेंट करते हैं वहाँ पर ऊपर ही ऊपर आपको पिन के ऊपर मिल जाएगा तो जैसे हमारे अकाउंट पर करके आप टेलीग्राम चैनल पहुँच जाओगे वहाँ ज्वाइन हो सब पे आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है तो यहाँ पर हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते चलते हैं अपनी डेमो टीम की तरफ डेमो टीम में ने विकेट के सेक्शन से करने वाला एम रतनायकर को यहाँ से डी ननायके यहाँ से एच सिम्पसन डी एच डोलाटा को यहाँ से ओल ग्रामीण सेक्शन से एम महादेवा को पी सब को ई बटन को टी चतुरा को यहाँ से जे एस्टन को आर सुधाजाई को और यहाँ से एस मालवाटा को कैप्टन करने वाला ई बटन को वाइस कैप्टन करने वाला एम रत्नायकर को बट ये मेरी फाइनल टीम बिल्कुल नहीं है ये सिर्फ मेरी डेमो टीम है फाइनल टीम में बैटिंग ऑर्डर लाने के बाद में ही दे पाऊंगा तो वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट और ऐसे सपोर्ट आप हमारे चैनल पर बनाए रखेगा बने धन्यवाद आपको हमारी वीडियो देखने के लिए